मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप और आपके बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव 3 दशक से बीपीएससी से स्थायी बहाली क्यों नहीं किए, और अब 3 दशक के बाद आप शिक्षा में सुधार के लिए चले हैं, अब आपकी विदाई का समय है। बड़े भाई छोटे भाई से बिहार के लोग मुक्ति चाहता है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आपको बता दें कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो तो खासा चर्चा में रहती ही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो बिहार के मुखिया है नीतीश कुमार, उनकी ये भरपूर कोशिश रहती है कि किस तरीके से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। लगातार एक के बाद योजना के तहत वो इसे दुरुस्त करने की कोशिश भी करते नजर आते हैं, कई अहम फैसले भी लेते नजर आते हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि अभी जो विपक्ष है वो लगातार बिहार सरकार पर सवाल उठाते नजर आ रहा है, और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए चमकर अपनी भड़ास भी निकाली है और साथ ही साथ सवाल भी पूछा है। सबसे पहले आपको विजय सिन्हा का ये ट्वीट दिखाते हैं। विजय सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीपीएससी से लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, गौरवशाली शैक्षिक इतिहास वाले बिहार के छात्र शिक्षा के लिए पलायन को मजबूर क्यों हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पास इसका कोई जवाब है या नहीं, आप लाखों युवाओं के गुनहगार हैं। इस तरीके से विजय कुमार सिन्हा ने पहले एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके निशाना साधा है, उसके बाद से उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो बयान देते नजर आ रहे हैं। उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि पिछले 3 दशक से बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षकों की बहाली होती है आखिर वो क्यों नहीं हुई, और अब जब आपके विदा होने का टाइम आया है तो आप चले हैं शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने। देखिए सबसे पहले कि विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ बोलते नजर आ रहे। बिहार के शैक्षणिक वातावरण को नष्ट करने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप और आपके बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव 3 दशक से बीपीएससी से स्थायी बहाली क्यों नहीं किए, यहाँ के शैक्षणिक वातावरण को कमजोर क्यों किए, यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किए। शिक्षा विभाग आप राजद और जदयू के पास आज 33 वर्ष से था, और अब 3 दशक के बाद आप शिक्षा में सुधार के लिए चले हैं, अब आपकी विदाई का समय है। बिहार की बर्बादी का आपके नाम से, आपके बड़े भाई छोटे भाई के नाम से जाना जाएगा। हमारे बच्चे अपने राज्य छोड़कर, अपने माता पिता परिवार को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए दूसरे राज्य जाते हैं। एक समय था कि दूसरे राज्य ही नहीं, दूसरे देश से बिहार में ज्ञान प्राप्त करने आते थे, लेकिन धन्य है जुमलेबाज मुख्यमंत्री जी जो अपराध भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ गलबहियां करके गर्व महसूस करते हैं। इसके विरोध करने वाले की आप कहते हैं कि बर्बाद हो गए, इसका समर्थन करने वाले विकास करेंगे, धिक्कार है। ऐसे लोगों की सोच पर उम्र का प्रभाव पड़ गया है। आपके आपके जैसे लोग, बड़े भाई छोटे भाई से बिहार के लोग मुक्ति चाहता है, निदान चाहता है। आपके जैसे लोग बिहार का विकास कभी नहीं कर सकते, न बिहार के लोगों के हितैषी हो सकते। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं, लगातार उन पर एक के बाद एक जो हमला है वो करते नजर आ रहे हैं, और इन सब के बीच उन्होंने सवाल भी पूछा है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई कि बिहार से बच्चे किसी और राज्य में जाते हैं पढ़ने के लिए, अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं और वहाँ पर जाकर अकेले रहकर पढ़ाई करने को मजबूर होते हैं, तो क्या आपके पास इसका कोई जवाब है माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर है तो दे दीजिए। इस तरीके से आपको बता दें कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने चमकर अपनी भड़ास निकाली है सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।